हेलो फ्रेंड्स, योगी फूड रेसिपी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं शादियों पार्टी वाली साग भाजी की रेसिपी। ये देखिए, हमने एकदम फ्रेश साग लिया है। तो जब भी फ्रेंड्स आप साग बनाएं तो एकदम फ्रेश साग लें, मुरझाया हुआ साग ना लें, वरना वो खाने में स्वादिष्ट नहीं लगेगी। तो साग को हमें अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, क्योंकि उसमें धूल मिट्टी लगी रहती है। तो 3 से 4 बार आप साग को धो लें, जब तक कि पानी फ्रेश ना रहे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो डालूंगी तो आप तक पहुंच जाए। तो हमें ऐसे अच्छी तरह से धो लेना है 3 से 4 बार। ये देखिए, हमने साग को निकाल लिया है, पानी से अलग कर लिया है। तब हम इसे बारीक बारीक साग को काट लेते हैं, ज़्यादा मोटा ना काटें। तो जब भी आपको शादियों वाली साग भाजी खाने का मन हो, आप घर पर ही इसे बना सकते हैं। ये झटपट बन जाती है, यह बनाने में बहुत ही आसान और स्वादिष्ट बन के तैयार होती है। आप एक बार मेरे तरीके से घर पर ज़रूर ट्राई करें, देखिएगा घर में सभी फैमिली मेम्बर को बहुत ही पसंद आने वाली है। और जिन बच्चों को साग खाना पसंद नहीं है, उन्हें भी आप इस तरह से बना कर देंगे तो वे चट कर जाएंगे और मांग मांग कर खाएंगे। तो इसे हमें बारीक बारीक अच्छी तरह से काट लेना है। फ्रेंड, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। हमने साग को काट लिया है, चूल्हे पर कढ़ाई पर चढ़ा दिया है और अब हम इसे 2 मिनट तक ढक के छोड़ देते हैं। 2 मिनट हो गई है, तब हम इसका ढक्कन उठा के इसमें अब हम टेस्ट के अनुसार नमक डाल देते हैं। तो नमक हमें हमेशा बाद में ही डालना है, क्योंकि जब हम साग बनाते हैं तो उसकी मात्रा ज़्यादा होती है और जब साग गल जाती है तो वो कम हो जाती है। तो नमक बाद में ही डालें, ऐसा करने से साग में नमक ज़्यादा नहीं पड़ेगी। और जिन बहनों को साग बनाना नहीं आता है वो इस टिप्स को ज़रूर फॉलो करें, देखिएगा साग बहुत ही अच्छी बनेगी, उसमें नमक ज़्यादा नहीं पड़ेगी। तो इसे हमें और 2 मिनट तक ढक देना है, जिससे कि साग का सारा मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। 2 मिनट हो चुकी है, ये देखिए साग का सारा मॉइस्चर ख़त्म हो गया है। तब हम सारे साग को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इस तरह से साग बनाइए, देखिएगा सब उंगली चाट कर खाएंगे। तो हम सारे साग को निकाल लेते हैं और इस कढ़ाई को अच्छी तरह से धोकर साफ कर लेते हैं। ये देखिए, हमने सारे साग को निकाल लिया है। तो उसी कढ़ाई में अब हमें कुछ मूंगफली भून लेना है। मूंगफली साग में डालने से साग बहुत ही टेस्टी बनती है, यही कारण है कि सारे बच्चे इसे बहुत ही पसंद करते हैं। मूंगफली को ठंडा करके हमें इसका छिलका निकाल लेना है और कद्दूकस कर लेना है। उसी कढ़ाई में अब हम थोड़ा सा सरसों का तेल डाल देते हैं और गर्म होने तक वेट करते हैं। तेल गर्म हो गई है तो उसमें हम 5 से 6 लहसुन की कलियां डाल देते हैं, जिसे हमने छोटे छोटे काट लिया है, और इसे सुनहरा होने तक भून लेते हैं। और अब हम इसमें डाल देते हैं कद्दूकस किया हुआ मूँगफली, और इसे भी हमें भून लेना है। और डाल देते हैं 2 सूखी मिर्च, इसे हमें सुनहरा होने तक भून लेना है। तो ये देखिए भून चुकी है, तब हम साग को इसमें डाल देते हैं और साग को अच्छी तरह से बादाम और लहसुन के साथ इसे मिक्स कर लेते हैं। और इसे हमें तब तक भून लेना है जब तक कि साग का सारा मॉइस्चर ख़त्म ना हो जाए। देखिए साग कितना अच्छा नज़र आ रहा है। तो इसे अब हमें थोड़ा सा मसल लेना है, जिससे कि साग से सारा मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। तो देखा आपने साग बनाना कितना आसान है। तो जब भी आपको शादियों पार्टियों वाले साग खाने का मन हो, आप जल्दी से घर पर ही बनाकर खा सकते हैं। तब हम सारे साग को प्लेट में निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की ये शादियों पार्टियों वाली साग भाजी की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब हम सारे साग को प्लेट में निकाल लेते हैं और इसे चारों तरफ अच्छी तरह से फैला देते हैं, जिससे कि साग ठंडी हो जाए। और इसके ऊपर से मूंगफली, जिसे हमने फ्राई किया था, उससे गार्निश कर लें और इसे गर्मा गर्म चावल के साथ सर्व करें। तो मिलती हूँ मैं फिर से नई रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।